नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलकापुरी निवासी अनिल यादव हत्याकांड मामले का पुलिस ने मुख्य आरोपी बेजू रविदास को किया गिरफ्तार। इसके पहले सुबह आक्रोशित लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर टावर चौक के पास किया घंटों जाम। सदर अस्पताल में हुआ शव का पोस्टमार्टम। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर डीसी ऑफिस सभागार में अधिकारियों की हुई बैठक। झंडा मैदान में होगा मुख्य कार्यक्रम। झंडा मैदान की साफ सफाई, रंग रोगन और अन्य जरूरी सुविधा को लेकर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग की प्रमंडलीय आयुक्त सुमन कैथरीन किसपोटा पहुंची गिरिडीह। शहरी क्षेत्र के अलावे गांडे इलाकों के विभिन्न मतदान बूथों का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। डीसी व अन्य अधिकारी भी रहे मौके पर मौजूद। अब खबरें विस्तार से। अनिल यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी को चंद घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी के पास से भुजाली बरामद किया गया और जिस वाहन से शव को ले जाकर फेंका गया था उस वाहन को भी जब्त कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। जमीन कारोबारी अलकापुरी निवासी अनिल यादव हत्याकांड का उद्भेदन गिरिडीह पुलिस ने करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि घटना को अंजाम देने वाला आरोपी बेजू रविदास को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार के सुबह जब आक्रोशित लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गिरिडीह टावर चौक के पास जाम कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने जब बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है तो लोगों ने सड़क जाम हटा लिया। हत्या के संबंध में गिरिडीह पुलिस ने बताया कि अनिल यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से भुजाली भी बरामद हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार वारदात को अंजाम दिए जाने के बाद से ही एसआईटी टीम ने छापेमारी शुरू कर दी थी। कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने के बाद पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त भुजाली भी बरामद हो गया है। साथ ही साथ जिस वाहन से शव को ढोकर जिले के पीटाड़ इलाके में फेंका गया था उसे भी जब्त कर लिया गया है। बताया जाता है कि पैसे के लेन देन को लेकर आरोपी के साथ मृतक अनिल का विवाद हुआ था जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पैसे के लेन देन में हुए विवाद की वजह से घटना को अंजाम दिया गया था। उन्होंने कहा कि मंगलवार लगभग दोपहर 3 बजे के आसपास अनिल का शव पीटाट इलाके से बरामद किया गया और रात 8 बजे उसके शव की शिनाख्त हुई। इसके बाद एसपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ और महज चंद घंटे के भीतर आरोपी बेजू रविदास को गिरफ्तार कर लिया गया। बेजू रविदास सरिया में सरकारी सेवक के रूप में कार्यरत है। बताया जाता है कि अनिल यादव बेजू रविदास के घर पैसे लेने गया था जहां दोनों के बीच झड़प हुई। इसके बाद गुस्से में आकर बेजू रविदास ने अनिल यादव की हत्या कर दी। बुधवार को मुफस्सिल और पचम्बा के कई इलाकों में पुलिस ने 10 टैबलेट कॉरेक्स और डेंट्राइड के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया। इस दौरान कई घंटे तक ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और जिस दुकानों में 10 टैबलेट डेंट्राइड और कॉरेक्स मिला वैसे दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई और बिना प्रिस्क्रिप्शन के इन चीज़ों को छोटे बच्चे और युवा वर्ग को नहीं देने का निर्देश दिया गया। गिरिडीह नगर मुफस्सिल और पचम्बा इलाके में बुधवार को पुलिस ने 10 टैबलेट कोरेक्स और डेंड्राइड के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया। इस दौरान मेडिकल स्टोर व अन्य दुकानों में सघन जांच पड़ताल की गई। इस अभियान का नेतृत्व टाउन थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार, बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह कर रहे थे। मौके पर एसआई सत्येंद्र पाल, एएसआई राहुल कुमार सिंह दल बल के साथ मौजूद रहे। इस दौरान कई घंटों तक तोड़ कार्रवाई की गई। कई स्थानों पर दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन के साथ बकझक भी की, लेकिन जहां जहां 10 टैबलेट डेंड्राइट और कोरेक्स मिला वैसे दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई। बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के इन चीजों को खासकर छोटे बच्चों और युवा वर्ग के लोगों को नहीं देने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि कम उम्र के लड़के इन दिनों
10 टैबलेट डेंड्राइड और कोरेक्स का सेवन नशा के लिए कर रहे हैं। बताया जाता है कि इन दोनों पदार्थों में काफी नशा होता है और छोटी उम्र के लड़के इसका नशा करके बर्बाद हो रहे हैं। पुलिस ने सभी दुकानदारों से कहा कि अगर किसी बच्चे या युवा वर्ग के लोगों को बिना प्रिस्क्रिप्शन या सामग्रियां दी गई तो इसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। उसी छोटा नागपुर हजारीबाग के प्रमंडलीय आयुक्त सुमन कैथरीन किस्पोटो गिरिडीह पहुंची। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के कार्यों की समीक्षा भी की। इस दौरान बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग की प्रमंडलीय आयुक्त सुमन कैथरीन किस्पोटा बुधवार को गिरिडीह पहुंची। इस क्रम में भंडारीडी रोड स्थित एचई हाई स्कूल समेत कई मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियस लखड़ा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी, उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथु महतो, सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण के क्रम में बूथ नंबर 15-16 हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, बूथ नंबर 18-19 और 20 फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिस शामिल था। इस क्रम में बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने एकलव्य विद्यालय का भी निरीक्षण किया और जरूरी सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत पुनरीक्षण गतिविधियां निर्धारित समय सीमा के अंदर संपादित किया जाना आवश्यक है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गॉल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पैनक्रियाटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ईआरसीपी व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7038645619551520 अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिजा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन के फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिजा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मन चाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपके प्यारे नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, वन पीस, टू पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार के साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावे सूटिंग शर्टिंग में रेमंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्हे के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है, तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें, विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकिजा फैशन चंदोरी रोड के सामने मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097 2823 45
या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर, यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिसर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी एससी ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ताराताड़ में तालाब में डूबने से हुए दो नाबालिग बच्चों की मौत की सूचना मिलते ही विधायक कल्पना सोरेन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और आर्थिक सहयोग भी किया और सरकार की तरफ से मिलने वाली हर मदद को परिवार को दिलवाने का आश्वासन दिया। ताराताड़ में तालाब में डूबने से दो नाबालिग बच्चों की मौत की सूचना पर बुधवार को विधायक कल्पना सोरेन पीड़ित परिवार से मिली और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। मौके पर मृतक बच्चों के परिजनों को ढांढस बंधाया, वही आर्थिक सहयोग भी किया और सरकार की तरफ से मिलने वाली हर मदद को परिवार को दिलाने को लेकर आश्वासन दिया। मौके पर पंचायत मुखिया यशोदा देवी, झामुमो युवा नेता फरदीन इम्तियाज अहमद, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, मोहम्मद आलम, पंसद पवन अग्रवाल, सुधांशु अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। देवरी के एक गांव में सड़क और नाली के ना रहने की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध किया और कहा कि चुनाव के समय प्रतिनिधि आते हैं और कई वादे करके जाते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद कोई पूछता तक नहीं। देवरी के गादी दिघी तिवारी टोला में बारिश के बाद 30 से 40 घरों का आवागमन बाधित हो गया है। बुधवार को ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव आते ही सांसद विधायक सब पहुंचते हैं, लेकिन जीतने के बाद इन लोगों को अपने ही हाल में छोड़ जाते हैं। बताया गया कि यह क्षेत्र जमुआ विधानसभा में आता है, जहां के ग्रामीण नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर है। ना ही इन लोगों को घर से निकलने के लिए रोड है और ना ही नालियों का निर्माण किया गया। बरसात के दिनों में ग्रामीणों को निकलने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का सरकार और जनप्रतिनिधियों से मांग है कि जल्द से जल्द सड़क और नाले का निर्माण कराया जाए, ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। मौके पर नित्यानंद पांडे, अनूप कुमार तिवारी, ललन तिवारी, रामदेव तिवारी, आनंद तिवारी, गौरीशंकर तिवारी, रंजीत तिवारी, अजय तिवारी, श्याम सुंदर तिवारी, अरुण तिवारी, मनोहर तिवारी, दिलीप तिवारी, मिंटू तिवारी, अजित तिवारी इत्यादि लोग मौजूद थे। क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ है कि यहाँ लगभग 50 हंडिया रहते हैं, एक तिवारी टोला है और रास्ता आप देख रहे हैं कि कितना कीचड़ भरी रास्ता है। बरसात जब जोर का होता ना तो लगभग 1 फीट पानी से गली, महिलाएं को ज़्यादा परेशानी होती है, बच्चे लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि लोग को किसी का इस पर दर्द नहीं है। हमारा वोट देते हैं हम, जनप्रतिनिधि को जिता के लाते हैं कि ना हम लोगों का कुछ विकास होगा, हमारा ग्रामीण का विकास होगा, लेकिन विकास के माध्यम में यही होता है कि हम लोग कचड़े से गुजर रहे हैं। आप अपनी समस्या अपने मुखिया जी को बोले थे? तो मुखिया जी हमारे नज़दीक के हैं, तो सब देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। इसकी जानकारी उनको है, लोकसभा का चुनाव, इसकी जानकारी है उनके पास। लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें हमारे सारठ का जो विधायक हैं श्री रणधीर सिंह जी और जिला परिषद श्री दिनेश शर्मा जी सब आए हुए थे, उनसे इस मुद्दा को उठाया गया है। अगला वो विश्वास भी किए कि नहीं ये लोग नर्क में जी रहे हैं, इनकी समस्या को लिया जाए, लेकिन यही समस्या है। फिर बरसात आ गया, फिर हम लोग का वही गति का वही गति में हम लोग हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधि से आग्रह करना चाहता हूँ
किस जनता की दर्द को समझें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना, एक अभियान चला है स्वच्छ भारत अभियान, यही स्वच्छ भारत अभियान है, हम इसी को स्वच्छ भारत अभियान कहें। आगामी 15 अगस्त की तैयारी को लेकर समाहरणालय सभागार में अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें संबंधित अधिकारियों को पूर्वाभ्यास एवं ध्वजारोहण के दौरान बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह झंडा मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारी कर लेने की निर्देश दी गयी। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर बुधवार को समाहरणालय सभागार में अधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस 2024 की तैयारियों के संबंध में रूपरेखा तैयार की गई। उक्त बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारियों को पूर्वाभ्यास एवं ध्वजारोहण के दौरान बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए अधिकारी पूरी तत्परता से कार्य करना सुनिश्चित करें। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह झंडा मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें झंडोत्तोलन, राष्ट्रगान, परेड किया जाएगा। परेड का पूर्वाभास मुख्य समारोह स्थल पर होगा। बैठक में झंडा मैदान की साफ सफाई, रंग रोगन, लाउड स्पीकर की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, लोगों के बैठने की व्यवस्था, अग्निशमन दस्ता, स्वतंत्रता सेनानियों को आमंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, परेड समेत अन्य के लिए संबंधित पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी एवं विधि व्यवस्था संधारण को लेकर निर्देशित किया। बैठक में DDC, SP व सभी अधिकारी मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहाँ एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें, एक कपड़ों के दामों पर दो कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक गिरिडीह। शहनाई बड़ा दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन। अस्थि रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC के बीच जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखे, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
बुधवार को पीटार्ड के पालगंज में प्रमंडलीय आयुक्त सुमन कैथरीन ने संचालित नव निर्मित मॉडल एकलव्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा भी उपस्थित रहे और वहां उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं से संबंधित जायजा लिया गया और कई अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रमंडलीय आयुक्त सुमन कैथरीन ने बुधवार को पीटार्ड के पालगंज में संचालित नवनिर्मित मॉडल एकलव्य आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। बताया गया कि यह पहले गिरिडीह पहुंची, जहां इन्होंने मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के कार्यों की समीक्षा की। बाद में इन्होंने उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के साथ पीटार्ड प्रखंड अंतर्गत पालगंज में संचालित नवनिर्मित मॉडल एकलव्य आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया गया। इस दौरान वहां उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं, क्लासरूम, पठन पाठन समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया एवं संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान आयुक्त महोदया के द्वारा वहां के बच्चों से मुलाकात कर उनके पठन पाठन समेत अन्य जरूरी जानकारी प्राप्त की गई। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने बताया कि पालगंज स्थित नवनिर्मित एकलव्य आवासीय विद्यालय को बच्चों की सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यहाँ पठन पाठन का कार्य आरंभ कर दिया गया है। अभी वर्तमान में यहाँ 26 बच्चे नामांकित हैं, आगे भी नामांकन का कार्य प्रारंभ है। इसके अलावा उन्होंने किचन रूम, पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था, शौचालय की सुविधा, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था समेत अन्य जरूरी मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। मौके पर उपायुक्त श्री नमन प्रियस लकड़ा, उप निदेशक कल्याण, अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी, जिला कल्याण पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीटार्ड अंचल अधिकारी पीटार्ड समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मेगाबाद के चरका पत्थर गांव में राधा स्वामी संगठन के द्वारा 9 जुलाई से निशुल्क कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें बिना कोई फीस लिए बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को घूम घूम कर दी गई और बच्चों को कोचिंग में पढ़ाई के लिए भेजने के लिए अपील किया गया। राधा स्वामी संगठन के द्वारा बेंगाबाद के चरका पत्थर गांव में 9 जुलाई को निशुल्क कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। बुधवार को गांव में घूम घूम कर लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि इन इलाकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से निशुल्क कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर में बच्चों को निशुल्क में पढ़ाया जाएगा, पढ़ाई के बदले 1 रुपए भी फीस नहीं ली जाएगी। इस बात की जानकारी घूम घूम कर ग्रामीणों को दी गई और अपने बच्चों को निःशुल्क कोचिंग में पढ़ाई के लिए भेजने की अपील की गई। लोगों को जानकारी देने वालों में जनता पार्टी के बेंगाबाद प्रखंड उपाध्यक्ष कमरुद्दीन अंसारी, दक्षिणी छोर के मंडल अध्यक्ष कैलाश कुमार दास समेत अन्य लोग शामिल थे। बताया गया कि ताराटांड पंचायत में भी फ्री ट्यूशन क्लासेस का उद्घाटन जल्द किया जाएगा। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।